कौन सी होती है? यदि हम जनरेशन की बात करते हैं तो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई चीज है तो एप्लीकेशन को जनरेट करने वाली चीज है कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद में आपके ग्रुप में कितनी एप्लीकेशंस या जिसको हम साइन अप फॉर्म बोलते हैं वो जनरेट आप कर पा रहे हैं। सारा बिजनेस इसी बात पर डिपेंड कर रहा है। आपको जो चेक्स आते हैं किस चीज पर बेस्ड है, कितने लोग आपके साथ में आपके ग्रुप में साइन अप कर रहे हैं इसी चीज पर बेस्ड है। और जब हमें यह मालूम पड़ जाए कि साइन अप होने से और नहीं होने से, साइन अप यदि होता है तो हमारा चेक बनता है और साइन अप नहीं होता है तो हमारा चेक नहीं बनता है, यदि हमें ये एक लॉजिकल बात मालूम है तो सबसे पहले तो हमको अपने अपने ग्रुप में चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे साथ में साइन अप हो रहे हैं क्या। और ये जो साइन अप मिलते हैं हमें वो किस चीज से मिलते हैं? हमें जो साइन अप मिल रहा है किस चीज से मिल रहे हैं? प्लान दिखाने से, प्रेजेंटेशन से मिल रहे हैं। एक ही चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यदि कोई चीज है हमारे इस बिजनेस में तो वो है कि प्रेजेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट की यदि हम बोलते हैं तो वो है प्रेजेंटेशंस। हमारे ग्रुप में तीन चीजें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। नंबर पहली बात तो ये है, हमारी सक्सेस जो डिपेंड कर रही है वो दो एबिलिटी पर डिपेंड कर रही है, एबिलिटी टू साइन अप। हम कितने लोगों को साइन अप करा पाते हैं, खुद करा पाते हैं, अपने ग्रुप के माध्यम से करा पाते हैं, अपने टीम के माध्यम से करा पाते हैं। और दूसरी बात है एबिलिटी टू ऑप्टिमाइज। एबिलिटी टू ऑप्टिमाइज का मतलब यह है कि जो लोग साइन अप हो गए हैं हमारे इस बिजनेस में उनके साथ में हम कैसा एटीट्यूड रखें, उनको हम ऐसी कौन सी चीज बताएं जिससे ये लोग डुप्लीकेट करके आगे अपने ग्रुप को लीड करना शुरू करें। दो चीजों पर यह चीज हो गई है, आपकी डिपेंड कर रही है। और ये दोनों चीजें जो यदि प्रभावित होती है तो तीन चीजें मिलकर के आपकी प्रभावित होती है। पहली यदि हम बात करते हैं ए बी सी, यदि तीन फैक्टर हैं तो ए फैक्टर हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ पीपल डूइंग प्रेजेंटेशन। आपके ग्रुप में कितने लोग ऐसे हैं जो प्रेजेंटेशंस को दिखा रहे हैं, उसी से आपके नंबर्स जनरेट होने वाले हैं। आपके ग्रुप में कितने लोग इस प्रेजेंटेशंस को दिखा रहे हैं, सबसे पहली बात। आप लिखने का काम बाद में कर देना, आप समझो कि एग्जैक्टली करना है क्या। लिखने से कुछ भी नहीं होने वाला, लिखना आप बाद में जब मैं बोर्ड पे आऊंगा, आपसे काफी अभी समय है, आपसे बातचीत करूंगा। अभी हमको समझना है कि इस बिजनेस को करना कैसे है और वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने शुरुआत किस बात से करी है कि ये बिजनेस 100% प्रेडिक्टेबल है कि कोई आदमी इस बिजनेस में कब सफलता ले सकता है, कब वो डायमंड बनने वाला है। ये चीज फिक्स हो गई। जब वो चीज फिक्स हो गई तो हम कहां से शुरुआत करेंगे? हमने देखा कि इस बिजनेस में सबसे चीज जरूरी क्या चीज है कि हमको साइन अप कितने मिलते हैं, खुद के माध्यम से कितने मिलते हैं और अपनी टीम के माध्यम से कितने साइन अप से मिलते हैं। जब हमें ये चीज मालूम हो गया तो साइन अप जो मिलने वाले हैं वो किन चीजों से मिलने वाले हैं? सबसे पहली बात जो है की जो है हमारी साइन अप होने की, या वो है प्रेजेंटेशन। हमको ये देखना है कि हमारे ग्रुप में कितने प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, पहली बात कि हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं जो प्रेजेंटेशन को दिखा रहे हैं। और दूसरा फैक्टर क्या है कि नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन डन बाय द पर्सन, कितने लोग प्रेजेंटेशन, कितने प्लान हो रहे हैं और कितने लोग प्लान को ले रहे हैं, ठीक है। और तीसरी बात जो प्रभावित करती है वो यह है कि इज द नंबर ऑफ पीपल सीइंग द प्लान, कितने लोग हैं जो प्लान को देख रहे हैं। अब आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, यहां मैकडॉनल्ड का कोई वो है सेंटर है, फ्रेंचाइजी सिस्टम है। यदि मान लीजिए कि यहां पर एक काउंटर मैकडॉनल्ड का है, यदि उसको अपने बर्गर्स की सेल बढ़ानी है तो वो सबसे पहला क्या करेगा, सीधी सीधी चीज क्या करेगा कि अपना एक आउटलेट और ओपन करेगा। यदि एक आउटलेट से यदि उसको जो भी सेल मिल रही है, यदि उसको अपनी सेल बढ़ानी है तो एक समय के बाद में जितनी भी सेल आ रही है वो एक आउटलेट से उतनी ही रहेगी, थोड़ा सा वेरिएशन होगा। लेकिन यदि उसको अपनी सेल बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको एक आउटलेट और ओपन करना पड़ेगा। और सेल बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, एक आउटलेट और बढ़ाना पड़ेगा। मैकडॉनल्ड जो है वो कहां का प्रोडक्ट है, यूएसए का प्रोडक्ट है, अमेरिका का प्रोडक्ट है। अमेरिका में एक छोटी सी बर्गर की शॉप थी, लेकिन उसका सपना बड़ा था। जितनी भी उसकी सेल हो रही थी उसको उतने में वो संतुष्ट नहीं था, वो चाहता था कि और बिजनेस हो, और बिजनेस हो। तो उसने तरीका क्या निकाला कि और अपनी एक आउटलेट ओपन किया, फिर फ्रेंचाइजी सिस्टम पे देना शुरू किया। ठीक इसी तरीके से आप देखो कि यदि हम अपने बिजनेस में एप्लीकेशंस को बढ़ाना चाहते हैं,
ज्यादा लोगों को साइन अप कराना चाहते हैं, ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आना चाहते हैं, तो सीधी सी बात क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन हमें अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब हमें समझ में नहीं आता था, हमारी अपलाइन कहती रहती थी कि भाई प्रेजेंटेशन आप लेना शुरू करो, जब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं लेंगे आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। शुरू शुरू में बड़ा शाही नेचर था, हम कदम बाहर नहीं निकाल पाते थे, हमारा नेचर ऐसा नहीं था कि मतलब कभी भी चार लोगों के बीच में मतलब इस तरह के प्रेजेंटेशन वाली बात आए तो कभी भी हमने इनिशिएट नहीं किया। लेकिन ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, छह महीने तक हमने देखा कि छह महीने जो रिजल्ट आ रहे थे बिल्कुल सेम के सेम रिजल्ट आ रहे थे, ज्यादा बड़े रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहे थे। हमने अपनी अपलाइन का जो कहना था वो इग्नोर किया, लेकिन हम अपनी वो जो रिजल्ट आ रहे थे उससे संतुष्ट नहीं थे। और जब संतुष्ट नहीं थे तो बार बार मीटिंग को अटेंड करना, और इस मीटिंग में बताया जाता था कि जब तक आप अपने प्रेजेंटेशंस को बढ़ाओगे नहीं तब तक हमारा रिजल्ट जो है बढ़ेंगे नहीं। लेकिन हमें भूख थी, हम बड़ा काम करना चाहते थे तो हम प्रेजेंटेशंस लेना स्टार्ट किए। आप बिलीव करो कि जो पहला प्रेजेंटेशन, मैंने अपनी बात करता हूं कि मेरा जो नेचर था, मैं घर में जहां चार लोगों से बातचीत नहीं कर पाता था, हमारी अपलाइन ने मोटिवेट किया, एक रास्ता दिखाया कि यदि आप नहीं लोगे तो आपकी टीम का कोई भी आदमी नहीं लेगा, और आपकी टीम का आदमी नहीं लेगा तो आपको जो टाइम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, वो चीज कभी भी नहीं मिलने वाली है। तो एक समय ऐसा आया कि बात हमको समझ में आई, हमने कदम बाहर निकाला, निकालने के बाद में जो कहा गया था उस प्रेजेंटेशन को लेना शुरू किया, और बिलीव करो कि जो पहला प्रेजेंटेशन हमारा था वो मैंने आधा कंप्लीट किया था। चतुर्वेदी जी जो मेरे अपलाइन में आते हैं वो सामने बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि कोई भी गड़बड़ी होगी चिंता नहीं करना, मैं वहां पर बैठा रहूंगा, यदि आपको लगेगा कि आप पूरा नहीं कर पाते हो या कोई चीज भूल जाते हो तो मैं वहां बैठा रहूंगा, बाकी चीजें मैं टेक ओवर कर लूंगा दोस्तों। और उन्होंने ऐसे ही किया, मैंने जब स्टार्ट किया तो पूरा प्लान कंप्लीट नहीं कर पाया, बीच में ही मैंने अपना प्रेजेंटेशन छोड़ दिया, और जैसे ही मैंने प्रेजेंटेशन छोड़ा है उसके बाद उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यही एक ऐसा